प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र उतरे सड़कों पर, कॉलेज को सरकारी करने व फीस कम करने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन, एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने दिया साथ। गुरुवार को प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने कलेक्टर पर प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि हमारे कॉलेज को सरकारी किया जाए, साथ ही कॉलेज की फीस भी कम की जाए। छात्रों ने यह भी कहा कि इतनी फीस लेने के बाद भी हमारे कॉलेज में कोई सुविधा नहीं है, खेलने के लिए ग्राउंड व रहने के लिए हॉस्टल भी नहीं है। प्रदर्शन में छात्रों का एबीवीपी ने साथ दिया। हमारी मेन मांग कॉलेज को सरकारी करना है, दूसरी मांग ये है कि कॉलेज की फीस जल्दी से जल्दी कम हो, सरकार इस पे ध्यान दे। ज़्यादातर हमारे कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, बच्चों की साल की इनकम ही 1 लाख रुपये है। हमारे 4 साल में हम लोग 8 लाख रुपये खर्च करते हैं, उसके बाद भी कॉलेज में प्लेसमेंट 0 है, खेलने के नाम पर कुछ नहीं है और ओवरऑल डेवलपमेंट पर भी कुछ नहीं मिलता हमें। हर चीज़ में ये कहा जाता है कि हमारे पास फ़ंड नहीं है, 70,000 रुपये देने के बाद भी फ़ंड नहीं होने की बात समझ में नहीं आती हमें। यदि फ़ंड नहीं है तो इससे ज़्यादा फीस हम और नहीं दे सकते, हमारी फ़ीस कम करें और सरकारी कॉलेज पूर्ण करें। हमारे कॉलेज में खेल ग्राउंड भी नहीं है, खेल के नाम पे साल में मुश्किल से 1 या 2 वॉलीबॉल दी जाती है, इसके अलावा कुछ नहीं दिया जाता हमें। बाहर जाने के लिए भी पिछले साल हम बाहर खेलने गए थे, खुद के खर्चे पे खेलने गए थे। और रही बात जैसे हमारा राजस्थान में जितने भी सरकारी कॉलेज हैं इनकी फ़ीस 70,000 रुपये है, अभी हम लोग कल स्टडी कर रहे थे तो पता लगा गुजरात के जितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनकी फ़ीस 5,000 रुपये है। हमारे कॉलेज में ना तो हॉस्टल है ना कोई मूलभूत सुविधाएँ हैं, हमें सब कुछ अपने आप करना पड़ता है, सारा खर्चा खुद। आज एबीवीपी अजमेर महानगर द्वारा जो अभी अजमेर शहर में सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है छात्रों का, इस प्रकार से इंजीनियरिंग कॉलेज है अजमेर में, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, उन कॉलेज के विद्यार्थियों को उनकी जो सालाना फीस है उस फीस के मामले में काफ़ी परेशान होना पड़ रहा है और अपने कैंपस में अपने प्राचार्य के खिलाफ उन्हें प्रदर्शन करना पड़ रहा है। इसके विरोध में वहाँ के महाविद्यालय के छात्रों से बातचीत करके आज एबीवीपी अजमेर महानगर द्वारा अजमेर जिला कलेक्ट्रेट में उन छात्रों के साथ में एक साथ एकत्रित होकर के उच्च शिक्षा राज्य मंत्री का नाम ज्ञापन दिया गया है और ज्ञापन में मैडम को बताया गया है यदि इन छात्रों की फीस कम नहीं हुई और इन छात्रों की मांगें पूरी नहीं हुई तो 3 दिन बाद एबीवीपी उग्र आंदोलन करेगी और कॉलेज प्रशासन वो हड़ताल पर बैठेगी। मेवल गर्ग महानगर मंत्री एबीवीपी।